पी दे रहे बिजनेस इमिग्रेशन क्या चीज़ है कि बिजनेस इमिग्रेशन ये है कि आपके पास अब स्किल नहीं है आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं दैट इज अ सेपरेट मैटर वो चेंज होता है कौन सा बिजनेस प्लान आप ले रहे हैं हर कंट्री का अपना प्लान आप बिजनेस करते हैं आप सक्सेसफुल बिजनेस मैन हैं पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं और किसी ऐसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं जो बिजनेस को वेलकम कर रहा है कि आप यहाँ पर आके बिजनेस करें हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ठीक है इकॉनमी वहाँ की अच्छी है स्टेबल इकॉनमी है गवर्नमेंट स्टेबल है और आप अपना बिजनेस या तो यहाँ से फाइंड अप करके जा रहे हैं या उसको वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं या एक नया बिजनेस वहाँ पर आप जाके स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आप पाँच साल दस साल से कारोबार कर रहे हो आपके पास कोई एक हेल्थी नेटवर्क नेटवर्थ हो अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा उठा के कहते जी मैं यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन मुझे आते हैं कि एक बच्चे एक बंदे ने मुझे कहा कि जी मेरा आप बिज़नेस इमिग्रेशन करवा दें कैनेडा की तो मैंने कहा जी आप करते क्या है कहते जी मैं काम करता हूँ कपड़े का अच्छा जी आपका एन टी एन बना बनवा बन, बन लेंगे मतलब कि आप एन टी एन बनवा के और बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पिछले दस साल से क्या कर रहे थे, थे? तो ये चीज़ है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस इमिग्रेशन की फिर वो उसी हिसाब से होंगी व टू एस्टैब्लिश अ पॉइंट जहां पर यह साबत हो सके कि आप वाकई एक बिजनेस मैन है बिजनेस मैन के ऊपर क्या कुछ होता है नेटवर्थ होती है डॉक्यूमेंटेशन अच्छा फिर वो हर प्लान की डिफरेंट है ऐसा नहीं है कि हर प्लान की सेम है जो कि कैनेडा यूएसए यूके यूरोप हर कंट्री ने अपना अपना प्लान बनाया हुआ है तो आपको उस प्लान के अकॉर्डिंगली क्वालिफाई करना पड़ता है एक है। जो अम्ब्रेला टर्म है वो यही है कि आप बिजनेस मैन है बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ जाकर बिजनेस करेंगे